फिफ्थ लेसन टू रिप्रोडक्शन इन प्लांट. ओके, इस चैप्टर को हमने स्टार्ट किया था और हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा था रिप्रोडक्शन के बारे में, और आज हमें देखना है रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड. ठीक है, हम प्लांट के रिप्रोडक्शन के बारे में देख रहे थे, तो आज हम देखेंगे कि सीड के थ्रू प्लांट का रिप्रोडक्शन कैसे होता है. एज डिस्कस्ड इन अर्लियर क्लास, न्यू प्लांट अराइज फ्रॉम सीड. जैसा कि हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो नया प्लांट होता है वो ज़्यादातर वह बीजों से लगाया जाता है. ठीक है, इस सीड ग्रोज इनटू सीडलिंग व्हेन इट सोन इन द राइट टाइप ऑफ सॉइल एंड इट रिसीव सफिशियंट अमाउंट ऑफ वाटर, एयर एंड वॉर्म्थ. यदि किसी सीड को हम मिट्टी में लगाते हैं और उसको पर्याप्त मात्रा में सूरज की रोशनी, पानी, हवा सब कुछ मिले, तो उसमें से छोटा सा क्या आने लगता है, सीडलिंग आने लगता है, पौधा आने लगता है. ठीक है, दिस प्रोसेस बाय विच सीड डेवलप्स इन टू सीडलिंग. तो वह प्रोसेस जिससे कोई सीड किस में बदल जाए, सीडलिंग में बदल जाए, यानी उस बीज में से जो छोटा सा पौधा आने लगता है वही सीडलिंग कहलाता है. यानी किसी भी सीड का सीडलिंग में बदलना ही क्या कहलाता है, जर्मिनेशन कहलाता है. ठीक है, तो जर्मिनेशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द प्रोसेस बाय विच सीड डेवलप्स इन टू सीडलिंग, यानी ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा एक सीड किस में चेंज हो जाए, सीडलिंग में चेंज हो जाए, यही क्या कहलाता है, जर्मिनेशन कहलाता है. बिफोर अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ सीड थ्रू एन एक्टिविटी. जर्मिनेशन को समझने से पहले हम सीड के स्ट्रक्चर को समझेंगे एक एक्टिविटी के थ्रू, बिंगोस एक्टिविटी टाइम से. चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस एक्टिविटी को. ठीक है, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, टेक सम ग्राम बीन एंड सोक देम इन वाटर फॉर 2 or 3 days. आपको कोई भी एक सीड लेना है, जैसे आप ग्राम ले सकते हैं, चना ले सकते हैं. ठीक है, चना जो होता है उसको आप ले लीजिए. ठीक है, और उसको 2-3 दिनों के लिए पानी में रख दीजिए. नाउ टेक आउट सीड एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली. फिर उसके बाद उस सीड को लीजिए 2-3 दिनों के बाद, उसको ऑब्जर्व करिए, देखिए, ध्यान से देखिए. ठीक है, यू विल सी डैट इन आउटर स्किन लाइक कवरिंग डैट हैज स्वेल्ड अप. तो आप देखेंगे कि जो भी चना आप लिए रहेंगे, मटर लिए रहेंगे, ठीक है, जो होता है वो क्या होगा, बाहर से जो होगा उसकी स्किन जो होगी वो सॉफ्ट हो गई रहेगी. ठीक है, स्किन की तरह होगा, वो क्या हो गया होगा, फूल गया रहेगा. दिस इज़ नोन एट सीड कोट. तो उसके बाहर का जो भी स्किन होगा उसे क्या कहते हैं, सीड कोट कहते हैं. ठीक है, जो फूल जाता है, स्वेल कर जाता है. इट्स मेन फंक्शन टू प्रोटेक्ट द सीड. इसका मेन काम ये होता है कि ये सीड को, बीज को प्रोटेक्ट करता है, उसकी रक्षा करता है. इफ़ यू रिमूव दिस यू विल फाइंड डैट सीड लिप्स ऑल्सो नोन एज कॉटलीडॉन. जब आप उसको रिमूव करेंगे तो आपको वहाँ पे सीड, जब आप उसको क्या करेंगे, जब उसकी स्किन को रिमूव करेंगे, ठीक है, तो आपको वहाँ पे सीड लिप्स दिखाई देगी. ठीक है, जो सीड लिप्स दिखाई देगी उसे ही कॉटली डॉन के नाम से जाना जाता है. देयर मेन फंक्शन इज़ टू प्रोवाइड फूड टू द ग्रोइंग प्लांट. और इसका मेन काम होता है कि जो भी प्लांट ग्रो कर रहा है उसको फूड प्रोवाइड करना. ठीक है, ऑन सेपरेटिंग दिस कॉटलीडॉन यू विल ऑब्जर्व ए बेबी प्लांट इन साइड. और जब आप उस बीज को क्या करेंगे, अलग करेंगे, जैसा कि डायग्राम में दिखाया जा रहा है, तो आपको वहाँ पर एक छोटा सा बेबी प्लांट दिखाई देगा, छोटा सा प्लांट दिखाई देगा. इट इज़ अ बेबी प्लांट विच ग्रोज इन टू सीडलिंग. ये वही बेबी प्लांट है जो कि सीडलिंग में चेंज होगा. ठीक है, ये देखिए, ये सीड कोट हो गया जो बाहर की तरफ स्वेल कर जाता है. ठीक, और ये क्या है, कॉटलीडॉन हो गया. ठीक, और ये क्या है, छोटा सा ये बेबी प्लांट हो गया. ठीक, तो देखिए यहाँ पे कॉटलीडॉन, सीड कोट के बारे में हमने देखा. सीड कोट क्या होता है, जो स्वेल्ड वाला पार्ट होता है सीड कोट होता है. उसके बाद इसका मेन फंक्शन होता है सीड को प्रोटेक्ट करने का. ठीक है, यदि हम इसे रिमूव करेंगे तो हमें सीड लिप्स दिखाई देगी. सीड लिप्स जो दिखाई देगी वही क्या होती है, कॉटलीडॉन. और कॉटलीडॉन का मेन काम क्या होता है, सीड को जो ग्रोइंग प्लांट होता है उसको प्रोवाइड करती है, उसको खाना देती है. ठीक है, क्या प्रोवाइड करती है, फूड प्रोवाइड करती है. ठीक है, इसके बाद जब हम इस कॉटलीडॉन को अलग करेंगे तो हमें दिखाई देगा उसमें एक छोटा सा बेबी प्लांट. यही बेबी प्लांट किस में चेंज हो जाता है, सीडलिंग में चेंज हो जाता है. ठीक है, तो आपको स्ट्रक्चर ऑफ सीड अच्छे से समझ में आ गया होगा. इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जर्मिनेशन, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. तो आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू.